सो वेलकम बैक टू द डी टी ग्राफ हम डिस डिसप्लेसमेंट टाइमग्राफ की बात कर रहे हैं वेलासिटी हम निकालना समझ पा रहे हैं जब भी डिसप्लेसमेंट टाइमग्राफ दिया जाता है उससे हम क्या निकालते हैं वेलासिटी निकालते हैं वेलासिटी हम विद द हेल्प ऑफ स्लोप निकालते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने टाइप्स को लिया हुआ है एक्चुअली हमने थ्री टाइप्स की पॉसिबिलिटीज़ देखी जब भी डिसप्लेसमेंट टाइमग्राफ गिवन होगा तो आपको कुछ तीन तरह के ग्राफ मिलेंगे जिसमें से पहला टाइप आज थोड़ा हम देखते हैं कि क्या हमें कंक्लूजन देता है जो पहला ग्राफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो डिसप्लेसमेंट टाइमग्राफ है जिसमें कि आपको पैरेलल एक लाइन मिल रही है एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सेस है या यूँ कहिए पैरेलल टू एक्स एक्सेस है क्योंकि टाइम हम एक्स एक्सेस पे प्रेजेंट करते हैं अब यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सेस है इससे क्या पता चल रहा है पता ये चल रहा है कि डिस्टेंस जो है वो स्टेशन मतलब डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है डिस्टेंस फिक्स्ड है आप देखेंगे वन सेकेंड पर भी डिस्टेंस सेम है टू सेकेंड्स पे भी डिस्टेंस सेम है थ्री सेकेंड्स पर भी डिस्टेंस सेम है इसका मतलब बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है और वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जा रही है बॉडी रेस्ट पर है